नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश के 10 सुपर फास्ट खबरों की। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए सहकारी चीनी मिल संघ को 500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि प्रदेश सरकार गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान के लिए संवेदनशील है और सहकारी चीनी मिलों की भुगतान क्षमता को ध्यान में रखते हुए गन्ना मूल्य के त्वरित भुगतान के लिए सहकारी मिलों को 500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता ऋण के रूप में प्रदान की गई है। सीएजी ने एक रिपोर्ट में खुलासा किया कि हाईटेक टाउनशिप के डेवलपरों को लाभ पहुंचाने के लिए सारे नियमों को ताक पर रखकर 572.48 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक गाजियाबाद में उनसे भू उपयोग परिवर्तन शुल्क नहीं लिया गया। आपको बता दें कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का ऑडिट करते हुए सीएजी ने हाईटेक टाउनशिप से जुड़ी अनियमितताएं पकड़ी है। बदायूं के MF हाईवे पर शुक्रवार रात एक बस अचानक आग का गोला बन गई। सवारियों से भरी बस में आग लगते ही भगदड़ मच गई। यात्रियों ने बस से कूदकर किसी भी तरह अपनी जान बचाई। हादसा MF हाईवे पर बजीरगंज के दौलतपुर गांव के पास हुआ। गरिमत यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रीवा नेशनल हाईवे पर स्थित NHAI के बादलगंज फ्लाईओवर पर शुक्रवार की शाम निर्माणाधीन स्पोर्ट वॉल ढहने से 3 मजदूर दब गए। इस हादसे में मिट्टी के मलबे में दबे एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूरों को स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। NHAI के परियोजना निदेशक ने निर्माण कराने वाली कंपनी के अधिकारियों से घटना की जानकारी ली और जान गंवाने वाले मजदूरों के आश्रित परिवार को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। बरेली में अवैध संबंधों के चलते एक लड़की को उसकी मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। मामला थाना सुभाष नगर क्षेत्र के करेली का है। बीती रात हुई इस हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक लड़की की हत्यारी मां और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मां और बेटी दोनों का ही इस लड़के से अवैध संबंध था। तो कुछ बात ऐसी हो गई थी, देख लिया था उन्होंने, तो ये गुस्से में हो गया था। शादी का दबाव था क्या? शादी का दबाव डाला था, वो कह रही थी हम नहीं करेंगे, हमने कोई बात नहीं, नहीं करना था, उन्होंने मना कर दिया था, हमने कोई बात नहीं। पूरी बात बता दे, और से मर्डर कर सके बोल नहीं सकता। बरेली पुलिस टीम ने एक अत्यंत ही सराहनीय कार्य करते हुए 2 लोगों को अरेस्ट किया है और विद इन 3 आवर्स एक सनसनीखेज घटना जिसमें एक 19 वर्षीय युवती की हत्या और उसकी माँ पर जानलेवा प्रहार करने का मामला सूचित किया गया था। पीलीभीत में रह रहे हजारों पूर्वी पाकिस्तान से आए लोगों को CA लागू होने के बाद बरसों बाद जमीन का मालिकाना हक मिलने की उम्मीद जगी है। पुनर्वास योजना के तहत 415 परिवारों को जमीन का मालिकाना हक दिलाने के लिए कमेटी गठित की गई है। इसी कड़ी में बरेली मंडल के कमिश्नर रणवीर प्रसाद पीलीभीत पहुंचे। कमिश्नर का कहना है कि जल्द वैधानिक रूप से प्रक्रिया पूरी कर इन विस्थापितों को जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। तो हम लोग यहाँ बैठे 1976 में, जबकि 70 में देश में उस टाइम पूरी पाकिस्तान था, वर्तमान बांग्लादेश है, और फरकर से लाया गया है और यहाँ ला के बैठाया गया है। तो जमीन का आज तक हमें मालिकाना हक तो कुछ मिला नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, जो जहाँ पे बैठे हो तो उसे का मालिकाना हक दिया जाएगा। आज आश्वासन दिया कि आपका जमीन का मालिकाना हक मिल जाएगा। जो आपका पास क्या क्या रिकॉर्ड है बांग्लादेश से आए हैं, पाकिस्तान से, वो रिकॉर्ड दिखाना, उसी हिसाब से आपका सब कुछ बन जाएगा। एक आदेश किया है कि जो पीलीभीत में आज़ादी के बाद जो बाहर से आकर जो बसे हैं, आवासित हैं अथवा कृषि कार्य कर रहे हैं और विभिन्न विभागों की जमीन पर कर रहे हैं, उनके मालिकाना हक के बारे में निर्णय लेने के लिए कमेटी बनाई गई। राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार गोरखनाथ मंदिर पहुंचे जयप्रकाश निषाद। यहां उन्होंने गुरु गोरखनाथ के आगे माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट कर कहा कि एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा पद सौंपा गया है, मैं उसका पालन करूंगा। उनका कोट कोट मैं नमन करता हूं, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा पद दे करके जिम्मेवारी सौंपने का काम किया है। निश्चित तौर पर जो संविधान की गाइडलाइन होगी, जो उनका आदेश होगा, उसका अच्छा से पालन करने का काम मैं करूँगा। बागपत के सिंघावली अहिर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक सातिर बदमाश को गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका दूसरा साथी भागने में कामयाब रहा।
पकड़े गए बदमाश पर लूट हत्या डकैती की 20 से ज्यादा संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। चेकिंग के दौरान एक सफेद अपाचे पर कुछ संदिग्ध लोग पुलिस का नाका देखकर भागे। पुलिस ने पीछा करके उनको रोकने की कोशिश की। इस चेष्टा में उन लोगों ने अपने पास रखे तमंचे से पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस ने रिटेलिएटरी फायरिंग में उसमें से एक व्यक्ति घायल हो गया है। जब घायल व्यक्ति के पास पुलिस ने उसकी पहचान की तो वो जाहिर नाम का एक व्यक्ति निकला, जिसके ऊपर 15 मुकदमे पंजीकृत पहले से हैं। और तफ्तीश से पता चला कि ये D51 जो पंजीकृत गैंग है उसका गैंग लीडर भी है। मुजफ्फरनगर के झांसी रानी पार्क में शुक्रवार को अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फिल्म अभिनेता आमिर खान का पुतला पेड़ से लटकाकर आमिर खान के प्रति जबरदस्त रोष प्रकट किया। हिंदू महासभा के मुजफ्फरनगर जिला के अध्यक्ष सुशील कुमार ने बताया कि फिल्म अभिनेता आमिर खान ने तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से मुलाकात की। वहीं उन्होंने मांग की कि उन्होंने राष्ट्रपति की पत्नी से क्या बात की उसे स्पष्ट करे। दूसरी मांग यह कि आमिर खान की फिल्मों पर बैन लगे। उन्होंने कहा कि तुर्की हमारे देश के देशद्रोही संगठनों को फंडिंग करता है। कि तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं उसकी घरवाली से जो उन्होंने बातचीत की है उसके मामले में हम इनका जो है पुतले को फांसी दे रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत के दुर्विरोधी हैं और इस्लामिक जो संगठन है हमारे भारत में उनको फंडिंग करता है। भारत आगे स्पष्टीकरण करे कि उन्होंने किस बारे में बात की। कासगंज जनपद के सदर कोतवाली परिसर में अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए आज एक महिला ने अपने हाथों में पेट्रोल की बोतल लेकर कोतवाली में जमकर हंगामा कर दिया। महिला ने अपने बेटे को पुलिस पर झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला सीमा उपाध्याय का कहना है कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वो परिवार सहित पेट्रोल छिड़क कर आग लगाकर आत्महत्या कर लेगी। महिला का कहना है कि बेटे को पुलिस ने झूठे आरोप में फंसाया है और परिवारजनों को इस बारे में बता नहीं रही है। अगर बच्चा कोई गलती करता है तो माँ बाप को बताया जाता है कि बच्चा ये गलती कर रहा है, तुम्हारा पकड़ करके लाते हैं, गिरोह बंदी करते हैं अपना खुद और दूसरे को बदनाम करते हैं। ताजा पेट्रोल लेके क्यों पहुंची हैं आप? इसलिए पहुंची हूँ शाम तक मेरे साथ न्याय हो ना मैं मर जाऊंगी, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों मरेंगे यहाँ पे। तो ये थी उत्तर प्रदेश के इस वक्त की 10 सुपर फास्ट खबरें। और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप मोबाइल न्यूज 24 को अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश और दुनिया की सभी फायदेमंद खबरों के साथ अब आप उत्तर प्रदेश की खबरों से भी रह सकें अपडेट।